वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम द फिगर ट्राइंगल्स आर सिमिलर. ये दो ट्राइंगल्स हमें गिवन है एंड इनकी साइड्स की मेजरमेंट भी हमें दे रखी है एंड हमें बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है. स्टेटमेंट ये है कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर. स्टेटमेंट हमें बता रही है कि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं एंड नाउ वी हैव टू चेक कि ये दोनों सिमिलर है या नहीं. सिमिलैरिटी के कौन से क्राइटेरियन से हम ये चेक करेंगे कि ये सिमिलर है या नहीं. साइड 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 बिकॉज इसकी साइड्स ही तो हमें गिवन है राइट. तो सबसे पहले ये फर्स्ट ट्राइंगल की एक साइड देखते हैं. ए बी टू है हमारे पास एंड इस ट्राइंगल में अगर हम इस साइड को देखें तो ये फोर है. हम यहाँ पर फोर लिख रहे हैं बिकॉज इस ट्राइंगल में सबसे छोटी साइड टू है एंड इस ट्राइंगल में सबसे छोटी साइड फोर है इक्वल्स टू. इसमें टू से जो सेकेंड बड़ी साइड है वो 2.5 है. थ्री तो सबसे बड़ी है ना, तो यहाँ पर 2.5 लिख रहे हैं अपॉन यहाँ से फोर के बाद फाइव बड़ी है तो यहाँ पर फाइव लिखेंगे इक्वल्स टू. इस ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड थ्री है एंड इस ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड सिक्स है. अब इसे कटिंग करके देखते हैं कि क्या ये इक्वल आ रही है रेशोज या नहीं. टू वन जा टू, टू टू जा फोर. यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट को हटा दूँ तो नीचे 10 आ जाएगा. 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा. 25 वन जा 25, 25 टू जा 50. 3 वन जा 3, 3 टू जा 6. 1 बाय 2 इक्वल्स टू 1 बाय 2 इक्वल्स टू 1 बाय 2. कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो है वो सेम आ रही है. दैट्स वाई ट्राइंगल्स आर सिमिलर इज अ ट्रू स्टेटमेंट.